Kaidoc News. जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में किसानों के साथ पुलिस की फिर हुई हाथापाई, किसान दादा और पोते का अस्थिपा लेने पहुंचे। कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। हरियाणा में किसानों का सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि किसानों के साथ पुलिस की लगातार हाथापाई सामने आ रही है। पहले पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, इसके बाद कई छोटी घटनाएं हुई। अब सिरसा में पुलिस और किसानों के मध्य हाथापाई की घटना सामने आई है। दरअसल सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व बिजली मंत्री रणजीत सिंह के आवासों का घेराव करने हजारों किसान पहुंचे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस के बैरिकेड्स लगाए हुए थे, किसान उग्र हो गए और बैरिकेड्स उखाड़ दिए। जब किसान पुलिस के बेकाबू होते दिखे तो वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पानी की तेज बुछारों से किसानों को तितर बितर कर दिया गया। किसान पानी के प्रेशर के कारण काफी असहज महसूस दिखाई दिए, तो वहीं इसी दौरान एक किसान के सिर में चोट आई। आरोप है कि पुलिस ने किसान के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। दोपहर को किसानों ने डिप्टी सीएम में बिजली मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए कूच किया। बरनाला रोड पर बुमणसा चौक पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रबंध किया हुआ था। डिप्टी सीएम व बिजली मंत्री के आवास के इर्द गिर्द गलियों में भी बैरिकेड्स लगाए गए थे तथा पुलिस बल तैनात था। किसान नेता योगेंद्र यादव, प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा सहित अन्यों ने वहां पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स लांघने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने दो बैरिकेड्स उखाड़ दिए तथा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में उग्र भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग करते हुए पानी की बुछारें फेंकी, जिसके कारण कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया। बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। भीड़ में पत्थर लगने से एक प्रदर्शनकारी के सिर में चोट आई। वहीं हरियाणा के किसानों का मकसद दादा और पोते का इस्तीफा लेने का था। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ही दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला चंडीगढ़ पहुंच गए थे और कल ही रिपोर्ट दुष्यंत चौटाला की जो कोरोना संक्रमण की है वो आई है, जिसमें पॉजिटिव बताई गई है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।